हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट मंत्र माना गया है। तो गायत्री मंत्र का क्या मतलब होता है और उनके क्या फ़ायदे हैं, तो आज हम 10 फायदे बताएंगे कि क्या इनसे पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये आज हम बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पहले जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ गायत्री मंत्र। तो जैसे आप जानते हैं कि ओम भूर भवा स्वाहा तस्त्र वितुर वरे नियम भगवो देवस्य धीमहि देवे नाम प्रचोदयात। तो एक एक वर्ड को देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ओम का मतलब होता है प्रणव। प्रणव मतलब कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो तीनों की कंबाइंड जो शक्ति है उसको प्रणव बोला जाता है। तो ठीक है, इसका मतलब ये होगा। भूर का मतलब हुआ मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला। भुवा का मतलब हुआ दुखों का नाश करने वाला। स्वाहा का मतलब हुआ सुख प्रदान करने वाला। तत् का मतलब हुआ वह। सवितुर का मतलब हुआ सूर्य की भांति उज्ज्वल। वरेण्यम का मतलब हुआ सबसे उत्तम। भर्गो का मतलब हुआ कर्मों का उद्धार करने वाला। देवस्य का मतलब हुआ प्रभु। धीमहि का मतलब हुआ आत्मचिंतन के योग्य। धियो का मतलब हुआ बुद्धि। यो का मतलब हुआ जो। ना का मतलब हुआ हमारी। प्रचोदयात का मतलब हुआ हमें शक्ति दें प्रार्थना। तो ये इसका पूरा मतलब है कि प्रणव मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला, दुखों का नाश करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, वह सूर्य की भांति उज्ज्वल, सबसे उत्तम, कर्मों का उद्धार करने वाला, प्रभु, आत्मचिंतन के योग्य, बुद्धि जो हमारी हमें शक्ति प्रदान करें। तो ये इसका जो है मतलब है गायत्री मंत्र का। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि उनके बेनिफिट्स क्या हैं गायत्री मंत्र के। तो पहला बेनिफिट है इसका, इट हेल्प्स टू प्योरीफाई द माइंड एंड ब्रिंग इनर पीस एंड कामनेस। तो ये जो है हमारे माइंड को प्योरीफाई करता है और हमारे मन को जो है एक पीस, एक शांति देता है और एक कामनेस देता है। तो इसका जो है पहला बेनिफिट गायत्री मंत्र का पढ़ने का ये होता है। अब देखते हैं इसका गायत्री मंत्र का बेनिफिट नंबर टू क्या है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज मेंटल क्लैरिटी एंड कंसंट्रेशन। ये जो है हमारे मेंटल, जो हमारे दिमाग की जो क्लैरिटी है इसको क्लियर करता है, ठीक है, और साथ में कंसंट्रेशन जो है इसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स दी मेमोरी पावर, हमारी जो मेमोरी पावर है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है उसको जो है बढ़ाता है। जो हमारा थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा आर स्टिम्युलेटेड विच इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा जो थ्रोट चक्रा है, हमारी थर्ड आई चक्रा जो है, या क्राउन चक्रा है, इसको जो है स्टिम्युलेट करता है, जिससे जो है हमारी ओवरऑल कंसंट्रेशन जो है इम्प्रूव होती है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है, जिससे अगर कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो उसके पढ़ाई में मन भी लगेगा और अच्छे से पढ़ के वो एग्जाम देगा तो उसको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, उसके सबके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफ़ी हेल्पफुल है, आपकी जो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। थर्ड बेनिफिट क्या है इसका, इट हेल्प्स रिमूव नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। तो हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे माइंड के अंदर, या जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, उससे जो है ये रिमूव, उनको रिमूव करता है और यहाँ हमें वो हेल्प करता है, ठीक है। फोर्थ बेनिफिट इसका, इट हेल्प्स टू ब्रिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एनलाइटनमेंट। यू विल डेवलप स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। तो हमारा जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जो है हमें ये लेके आता है, अगर हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट पड़ता है। और साथ में यू यू विल डेवलप स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, मतलब आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी स्ट्रांग होती है इसको पढ़ने से। इट इन्फ्लुएंस अवर सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स, हेंस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन ब्रेन। तुम्हारी जो एक सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उसको ये इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जो है हमारा ब्रेन जो है वो पॉजिटिव सोचना शुरू करता है। तो ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है गायत्री मंत्र पढ़ने का। बेनिफिट नंबर 5 देखते हैं क्या है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव वंस हेल्थ एंड वेलबींग। इट कीप्स अवर हार्ट हेल्दी एंड ऑल्सो डेवलप्स प्रॉपर इम्यूनिटी। तो हमारे जो हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करता है, जब हम पढ़ते हैं गायत्री मंत्र को, हमारी हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करता है। हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी होता है इसको पढ़ने से, और साथ में जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसको भी ये काफ़ी डेवलप करता है, स्ट्रांग करता है हमारी इम्यूनिटी पावर को। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इसका ये पढ़ने का। बेनिफिट नंबर 6 देखते हैं क्या है। इट हेल्प्स टू ब्रिंग सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हमारे जीवन के अंदर जो है सक्सेस लेके आता है, और हमारी जो प्रॉस्पेरिटी, हमारी जो वेल्थ को बढ़ाता है, हमारी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है पढ़ने का, ठीक है। सेवन्थ बेनिफिट इसका, इट हेल्प्स टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स एंड ब्रिंग गुड लक। जीवन के रास्ते में या कोई बाधाएं आ रही हैं उसको ये रिमूव करता है और गुड लक को जो है हमारे ज़िंदगी में लेके आता है गायत्री मंत्र।
आठवां बेनिफिट इसका, इट हैज़ टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी एंड ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन। तो ये जो है पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है जब हम पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, और जो हमारे को डिवाइन से जो मतलब कि गॉड से जो हमें ब्लेसिंग मिलती है वो हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ये काफ़ी मतलब पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और हमारे को डिवाइन जो है ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं गायत्री मंत्र को। अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 9 की, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव वंस रिलेशनशिप एंड ब्रिंग हार्मनी टू वंस लाइफ। तो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या कोई और रिलेशन हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेशन है। तो मतलब उसको अगर आप पढ़ते हैं गायत्री मंत्र को सच्चे मन से अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको रिलेशनशिप में काफ़ी हेल्प मिलती है और आपको हार्मनी मिलती है आपकी लाइफ के अंदर। तो ये इसका बेनिफिट है नंबर 9 का। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र बेनिफिट नंबर 10 की, इट हेल्प्स टू ब्रिंग ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिवाइन। तो हमें डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है और साथ में डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है अगर हम पढ़ते हैं गायत्री मंत्र को, ठीक है। तो ये मैंने आपको 10 बेनिफिट बताया कि कैसे कैसे जो है हमें गायत्री मंत्र पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और अब बात करते हैं कि गायत्री मंत्र के पढ़ने के कुछ रूल्स होते हैं कि क्या आपको कैसे पढ़ना चाहिए। वन शुड ईट प्योर वेजिटेरियन एंड सात्विक फूड ओनली। अगर आप गायत्री मंत्र का पाठ शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके चैंटिंग करना शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको अपना प्योर वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, सात्विक आपको अपना रहना चाहिए, ठीक है। कीप अ गड़वी स्मॉल कंटेनर फिल्ड विद वाटर वाइल चैंटिंग गायत्री मंत्र एंड ड्रिंक इट आफ्टर कंप्लीटिंग द चैंटिंग, इट विल गिव गुड हेल्थ। अगर आप शुरू कर रहे हैं गायत्री मंत्र, आप उससे पहले स्मॉल कंटेनर गड़वी बोलते हैं उसको, उसके अंदर पानी भर के आप रख लीजिए, ठीक है। और जब आप उसके बाद आप गायत्री मंत्र स्टार्ट कीजिए और उसको गायत्री मंत्र कंप्लीट करने के बाद जो है आप जो है जल वो पी लीजिए, जिससे जो है आपकी जो है हेल्थ जो है आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। चैंटिंग ऑफ मंत्रा शुड बी डन बिफोर सनराइज, दैट इज ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त, नून और सनसेट ट्रांजिशन पीरियड। तो आपको जो है 3 टाइम पढ़ सकते हैं आप गायत्री मंत्र, एक तो सनराइज से पहले मतलब जब ब्रह्म मुहूर्त होता है जो कि 4 से 5 का सुबह का जो 4 से 5 का टाइम होता है उसमें पढ़ सकते हैं आप, या नून में पढ़ सकते हैं आप, आफ्टरनून में पढ़ सकते हैं, या फिर सनसेट में टाइम पे जब ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होता है, ठीक है। चैंट गायत्री मंत्र 108 टाइम्स विद रुद्राक्ष माला एज इट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। तो आप जो गायत्री मंत्र जब पढ़ते हैं तो आपको 108 बार इसका जाप करना चाहिए, और उसके लिए आपको सबसे बेस्ट जो है रुद्राक्ष माला जो है बेस्ट मानी गई है उसके, अब उसको लेके आप जो है 108 टाइम जो है आप उसको गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छा माना गया है। फेस टुवर्ड्स ईस्ट वाइल चैंटिंग दी मंत्र, जब आप गायत्री मंत्र चैंट कर रहे हैं तो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सिट ऑन अ ब्लैंकेट क्लोथ मैट और योगा मैट टू अवॉइड लॉस ऑफ एनर्जी। तो आपको ऐसा नहीं कि नीचे जो है ज़मीन पे आप खाली ज़मीन पे आप बैठ के पाठ करें, वो बेटर नहीं है। उसके लिए बेस्ट है कि आप ब्लैंकेट रख लीजिए नीचे, या कोई क्लोथ मैट रख लीजिए, या योगा मैट रखिए, ताकि आपकी जो आपकी को एनर्जी मिल रही है, आपको जो वहाँ से गायत्री मंत्र पढ़ने से एनर्जी मिल रही है वो आपकी वेस्ट ना हो, उसका लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, तो आपके जो एनर्जी है वो आपके अंदर ही जो है एब्जॉर्ब हो जाए, ये कहने का मतलब है। इट इज़ बेस्ट टू डू अ बिट ऑफ प्राणायाम बिफोर गायत्री मंत्र चैंटिंग एज माइंड बिकम्स काम एंड फोकस। तो प्राणायाम आपको करना चाहिए गायत्री मंत्र से पढ़ने से पहले, तो आपको जो है काफ़ी कामनेस महसूस होगी और आप फोकस रहेंगे। बर्निंग ऑफ धूप इंसेंस एंड लाइटिंग ऑफ लैम्प्स दिया एड अ फ्रेग्रेंट एंड प्रेजेंट एटमोसफेयर टू फॉर प्रेइंग। तो अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं तो आप उसको उस टाइम पे आप धूप या जो अगरबत्ती है वो लगा रहे हैं, साथ में एक दिया जला लें साथ में, ताकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी प्योर और अच्छा रहे। तो ये रूल्स हैं आपको फॉलो करने चाहिए। तो ये मैंने आपको आज बताया गायत्री मंत्र के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, उसका मतलब क्या है, और साथ में इससे क्या क्या रूल्स हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।